दोस्तों काफी सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम एक महीने में कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजेक्शन लिमिट कितना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम RTGS NEFT IMPS कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग BC पॉइंट्स के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि क्या मेरा पैसा इस बैंक में सुरक्षित है या फिर नहीं है, और इस बैंक में यानी कि BC पॉइंट से अगर मैं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हूं तो इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट कितना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम एक महीने में कितने बार कैश विड्रावल कर सकते हैं यानी कि कितने बार हम पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होता है जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने बार पैसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन सा ट्रांजेक्शन लिमिट होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं, और ये बातें मैंने अपने काफी सारी वीडियोस में बताई हुई हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो, वो चाहे तो आप BC पॉइंट से ओपन करवाओ या फिर स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच से ओपन करवाओ या फिर आप ऑनलाइन ओपन करवाओ, यानी कि आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओपन करवा लेते हो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग काफी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक पासबुक ATM कार्ड ऑफर करता है। अब दोस्तों हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन पॉइंट के ऊपर यानी कि ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर कि आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो इसमें कितना ट्रांजेक्शन लिमिट होता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के थ्रू आप अपना कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो या फिर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप यहाँ पर जितना भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो सब कुछ फ्री है। यहाँ पर कुछ भी चार्जेस आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भेजा, ऑनलाइन भेजा है, तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। हालांकि अगर आप यहां पर किसी भी अकाउंट में पैसे भेजते हैं इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए तो इस कंडीशन में आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप IMPS के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करते हो या फिर RTGS के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करते हो या फिर NEFT के जरिए पेमेंट ट्रांसफर करते हो, यानी कि ये तीनों से ही आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, और इसमें जो भी चार्जेस आपको देना होता है वो नॉर्मल चार्जेस होता है जो कि हर बैंक में आपको ये चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा डालता है तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे डलवाते हो या फिर डालते हो तो ऐसे केसेस में आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों कैश डिपॉजिट कि हम अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहां पर SBI ने साफ साफ लिखा है कि 3 ट्रांजेक्शन फ्री में आप लोगों को दिया जाता है, यानी कि 3 बार आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो ब्रांच के जरिए पर मंथ। हालांकि दोस्तों जो आप CDM मशीन से कैश डिपॉजिट करते हो वो डिपॉजिट यहाँ पर मान्य नहीं होता है,
जो भी आप ब्रांच के जरिए करते हो वही यहाँ पर काउंट होता है। तो यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए 3 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को ₹50 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों अगर हम बात करें मशीन की, तो यहाँ पर अगर आप अपना डेबिट कार्ड ले जाकर के CDM मशीन से अपने ही खाते में कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप GRC ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि आप डेबिट कार्ड लेकर के नहीं जाते हो, बगैर डेबिट कार्ड के यानी कि विदाउट डेबिट कार्ड के आप अकाउंट नंबर डाल करके CDM मशीन से कैश डिपॉजिट करते हो, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ₹25 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। आप चाहे तो 20,000 करो, चाहे तो 2,000 करो, चाहे तो 1,000 ही कैश डिपॉजिट करो, तो भी आपको इतना ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो ऐसे केसेस में आपको ₹22 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, और कार्डलेस ट्रांजेक्शन पर आपको ₹22 प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों ये हो गया कैश डिपॉजिट। अब यहाँ पर अगर हम कैश विड्रावल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एवरेज मंथली बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना एवरेज मंथली बैलेंस रखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिमिट सेट करके दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने अकाउंट में ₹25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखा है, यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस आपका 25,000 तक ही आया है, उसके ऊपर नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप ब्रांच के जरिए 2 बार कैश विड्रावल बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 से लेकर के 50,000 तक आया है, तब आप 10 बार पैसे निकाल सकते हो मंथली। और वहीं पर अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो 50,000 से लेकर के 1,00,000 आया है, तब आप 15 बार निकाल सकते हो। और आप अगर आपका मिनिमम बैलेंस ₹1,00,000 से ऊपर आया है, तो ऐसे केसेस में अनलिमिटेड आप पैसे निकाल सकते हो अपने SBI ब्रांच से या फिर किसी दूसरे अन्य ब्रांच से। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें, तो यहाँ पर नॉन होम ब्रांच से आप ₹50,000 पर मंथ निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर ये नॉन होम ब्रांच क्या है, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काफी सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि कोई ब्रांच मुंबई में होता है, कोई ब्रांच लखनऊ में होता है, तो ऐसे काफी सारे ब्रांच होते हैं। अब मान लो आपने खाता मुंबई में खुलवाया है, तो ये आपका होम ब्रांच हो गया, और आप पैसे निकालने के लिए जा रहे हो लखनऊ में, तो ये आपका नॉन होम ब्रांच हो गया। तो लखनऊ में आप ₹50,000 तक मंथली निकाल सकते हो, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर मैं अपना पैन कार्ड अपने अकाउंट से लिंक नहीं करता हूँ, तब यहाँ पर कौन कौन सा ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप अपने SBI खाते में पैन कार्ड लिंक नहीं करते हो, तो ऐसे केसेस में आप ₹50,000 से ऊपर का कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर फॉर्म 16 भरना जरूरी होता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं रखा है, नहीं लगाया है, तब यहाँ पर आपको फॉर्म 16 भरना पड़ेगा। लेकिन अब पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हो अपने खाते में, तो आप ₹50,000 से ऊपर का कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड होता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, नहीं तो जो पैन कार्ड रहेगा वो इन एक्टिव मोड में चला जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब दोस्तों अगर हम BC पॉइंट की बात करें, यानी कि जो आप BC पॉइंट पर जाकर के स्टेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, जिसे हम किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप ₹30,000 मैक्सिमम 1 टाइम में पैसे निकाल सकते हो, और मंथली आप 4 बार ही कैश विड्रावल कर सकते हो, यानी कि कैश निकाल सकते हो 4 बार मंथली। अगर आप इसके ऊपर निकालते हो तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को ₹15 प्लस GST चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों जो आप बीसी पॉइंट से अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, उस अकाउंट में कोई थर्ड पार्टी का मेंबर अगर आपके अकाउंट में ₹10,000 से लेकर के ₹30,000 तक का फंड ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होता है। और अगर ₹60,000 से ऊपर का कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, तब ऐसे केसेस में आप लोगों को ₹100 प्लस GST
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम आईएमपीएस की बात करें तो यहाँ पर आप वन टाइम में, अगर आपका किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप वन टाइम में ओनली 5,000 रुपए ही आईएमपीएस कर सकते हो, और यहाँ पर मंथली आप 25,000 रुपए तक ही आईएमपीएस कर सकते हो। हालांकि अब इसको बढ़ा करके 60,000 रुपए कर दिया गया है, और एनईएफटी आप 30,000 रुपए तक ही कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन एनईएफटी के ऊपर चार्जेस देना होता है, और अगर आप 10,000 रुपए तक एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर 2 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। दोस्तों ये हो गया कैश विड्रावल और कैश डिपॉजिट। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।